इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मुसीबत हर किसी के जिंदगी में आती है और किसी न किसी रूप में आती है, बस मेन मैटर ये करता है कि आप मुसीबतों को किस तरह से टैकल करते हैं। कुछ लोग मुसीबतों को देख के भाग जाते हैं, कुछ लोग दुबक कर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उनका सामना करने लग जाते हैं अपना काम छोड़ के, तो कुछ लोग समझदारी से अपना काम भी पूरा करते हैं और मुसीबतों को भी टैकल कर लेते हैं। आप इनमें से कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए, इसको जरूर सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों एक राजा था और राजा के 100 पुत्र थे और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना था, क्योंकि नियम ये कहता है कि सबसे बड़ा पुत्र ही बनेगा। तो उसने सोचा कि भाई मैं तो किसी समझदार को बनाऊंगा। तो उसने सोचा इससे उसका सम्मान भी बढ़ेगा और समाज में प्रतिष्ठा भी, कि उसने ये नियम को बदलते हुए किसी ऐसे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो समझदार है, जो आगे जाके समझदार राजा बनेगा। तो उसने सारे अपने 100 पुत्रों को बुलाया, सभी राजकुमार थे, और उन्हें बोला कि मैंने अगले दिन भोजन का आपके लिए प्रयोजन किया है, आप आइए और भोजन को ग्रहण कीजिए। तो सभी पुत्र अगले दिन आने के लिए तैयार हो गए। अब जिस दिन उनको आना था और सबके सामने भोजन लगा दिया गया, और जब भोजन शुरू करने वाले थे वैसे ही उन पर शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया गया। अब शिकारी कुत्ते देखते ही साथ कुछ राजकुमार तो डर के मारे भाग गए और कुछ राजकुमार अपना थाली छोड़ के दुबक के बैठ गए। तो कुछ राजकुमार उन शिकारी कुत्तों से लड़ने लगे और वहीं पर एक राजकुमार सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्त खाना खाने में लगा था और उसने पूरा खाना खत्म किया। और राजा ने ये पूरा ड्रेस अपनी आंखों से देखा कि कौन क्या कर रहा था, और वो समझ गया कि मुझे अब किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना है। उसने बोला कि अगले दिन मैं सभा में आइए और मैं ऐलान करूंगा कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। कि अगले दिन जब आए तो राजा ने उन सभी पुत्रों को बुलाया, उसने कहा कि बताइए खाना कैसा था। तो बहुत सारे पुत्रों ने कहा कि हमने तो खाए नहीं। उन्होंने पूछा क्यों, पर उन्होंने बोला शिकारी कुत्तों के कारण हम डर गए थे तो हम भाग गए। कुछ लोगों ने बोला कि हमें डर लग गया था कि कहीं पे चपटना पड़े तो हम तो बक्के बैठ गए कहीं पे। तो कुछ लोगों ने बोला हम तो उसका डर का सामना हमने किया, हमने उसे डर से हमने तो कुछ लोगों ने बोला हमने उसका सामना करने पे लग गए तो हम खा नहीं पाए, क्योंकि हम उससे लड़ रहे थे, हम उसका शिकार कर रहे थे, हम उन कुत्तों को मारने के चक्कर में खाना नहीं खा पाए। वहीं पे एक राजकुमार ने बोला कि महाराज खाना बहुत ही उत्तम था, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया खाने में। तो राजा ने उस पुत्र से पूछा कि तुमने इतने सब में खाना खाया कैसे। तो उन्होंने बोला कि मेरे सामने 56 भोग की थाली रखी हुई थी, तो जैसे ही कोई मेरे सामने कुत्ता आता तो वो भोग की थाली में से थोड़ा खाना मैं सामने डाल देता और वो कुत्ता उसको खाने में लग जाता, तो वो भी अपना खा रहा था, मैं भी अपना खा रहा था, और ऐसे में मैंने अपना खाना पूरा कर लिया। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उसी को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किया। कि बड़ी समझदारी से इन्होंने एक मुसीबत को, एक आई हुई मुसीबत को, ये सिर्फ अपना काम आई हुई मुसीबत को इस तरह से टैकल किया कि उसने अपना काम भी नहीं छोड़ा और जो काम उसको मिला था उसको भी पूरा किया। तो दोस्तों जीवन में आप ये बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि आपकी लाइफ में भी अगर कोई ना कोई मुसीबत आएगी ना, तो उसका हमें या तो डर के भागना नहीं है, उसका या तो हमें दुबक के बैठना भी नहीं है, ना ही हमें उसका सामना करना है। मुसीबतों को ना दिमाग से हल किया जाता है, कि आप अपना काम भी करते रहें और साथ में मुसीबत भी हल हो जाए। तो ये लाइफ की बहुत बड़ी सीख है, अगर आपने सीख ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप जीवन में आने वाली हर मुसीबतों को सामना भी करो, पर अकलमंदी से, कि अपना काम भी ना छोड़ो, आप उसको सामना भी करो। तो दोस्तों इसी तरह हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से थैंक्स। अगर आप में से बहुत से लोग ये वीडियो को देखकर जो सब्सक्राइब करते हैं नए लोग, उनको भी थैंक्स, जो नहीं करते हैं उनको भी थैंक्स, जो लोग लाइक करते हैं उनको थैंक्स, और जो लोग नहीं भी करते हैं उनको भी थैंक्स। इसी तरह अपना दिल और दिमाग स्वच्छ रखिए और स्वच्छ भारत की तरह अपना जीवन भी स्वच्छ बनाइए। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें चैनल से। Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.